हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू लर्न विद इतिमन। तो देखिए, हम लोग कर रहे थे क्लास 8th का चैप्टर नंबर 7, विकास योजनाएं। ठीक है, तो हमने पांच क्वेश्चन किए थे। वो पांच क्वेश्चन जो है वो 30-32 क्वेश्चन के बराबर थे। तो चलिए उसके आगे ही करते हैं। राजस्थान में राज्य स्तरीय औद्योगिक क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए संस्थान कार्यरत है। तो राजस्थान में राज्य स्तरीय औद्योगिक क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए जो संस्थान हैं उनके नाम क्या हैं? ग्रामीण गैर विकास कृषि विकास अभिकरण, राजस्थान औद्योगिक विकास एवं निवेश निगम जिसे रीको कहा जाता है, राजस्थान लघु उद्योग निगम लिमिटेड राज सीको। ठीक है, तो ये सभी जो है वो औद्योगिक क्षेत्र को बढ़ावा दे रहे हैं। फिर देखें क्वेश्चन 7, राजस्थान में राज्य स्तरीय शिक्षा क्षेत्र में बढ़ावा देने के लिए योजनाएं हैं। शिक्षा क्षेत्र में बढ़ावा देने के लिए जो योजनाएं हैं वो कौन कौन सी हैं? तो देखिए, यहाँ पर निशुल्क पाठ्य पुस्तक वितरण योजना है, विद्यार्थी सुरक्षा दुर्घटना बीमा योजना, गार्गी पुरस्कार। गार्गी पुरस्कार के बारे में तो आप सभी जानते हो कि शिक्षा क्षेत्र में दिया जाने वाला ये पुरस्कार है। निशुल्क साइकिल वितरण योजना, लैपटॉप वितरण योजना। तो आए दिन आप देखते हैं कि जो भी 10वीं 12वीं में बच्चे जो बहुत अच्छी परसेंटेज लेके आते हैं या आर्थिक रूप से बहुत ज़्यादा कमजोर बच्चे जो हैं उनके लिए सरकार द्वारा निशुल्क साइकिल वितरण योजना, लैपटॉप वितरण योजना ये चलाई जाती है। ठीक है, तो ये शिक्षा क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए ये योजनाएँ हैं। मुख्यमंत्री हमारी बेटी योजना, अक्षय पेटिका योजना। तो जैसे कि लास्ट वीडियो में मैंने आपको योजनाएं याद करवाई थी, तो यहाँ पर भी आपको बहुत अच्छे से याद हो जाएंगी। देखिए, निशुल्क पाठ्य पुस्तक वितरण योजना, तो पाठ्य पुस्तक की बात हो रही है, तो ये योजना जो है वो किससे संबंधित है? शिक्षा क्षेत्र से संबंधित है। ठीक है, विद्यार्थी सुरक्षा दुर्घटना बीमा योजना, यहाँ विद्यार्थी की सुरक्षा की बात चल रही है, तो ये कौन सी योजना है? शिक्षा क्षेत्र में बढ़ावा देने की योजना है राज्य स्तर पर। गार्गी पुरस्कार शिक्षा जगत में ही दिया जाता है। निशुल्क साइकिल वितरण योजना, लैपटॉप वितरण योजना, तो ये पढ़ाई से संबंधित योजनाएं हैं। मुख्यमंत्री हमारी बेटी योजना, अक्षय पेटिका योजना। ठीक है, अगला देखें क्वेश्चन 8, समाज के कमजोर एवं उपेक्षित वर्गों के कल्याण सर्वांगीण विकास के लिए राजस्थान राज्य सरकार द्वारा चलाई गई योजनाएं हैं। यहाँ पर कमजोर और उपेक्षित वर्ग, जिनको कि समाज उनकी उपेक्षा करता है, तो ऐसे वर्गों के सर्वांगीण विकास के लिए सरकार द्वारा चलाई गई योजनाएं कौन कौन सी हैं? तो यहाँ पर अनुप्रति योजना, उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना, विधवा पुनर्विवाह प्रोत्साहन योजना, सहयोग एवं उपहार योजना, वृद्धावस्था पेंशन योजना, मुख्यमंत्री एकल नारी पेंशन योजना, मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन सम्मान पेंशन योजना। तो अभी तक के जितने भी क्वेश्चन थे वो मैंने आपको योजनाओं के वो मैंने आपको याद करवाए। यहाँ क्वेश्चन जो 8 है ये आप बहुत अच्छे से ध्यान से याद करें, क्योंकि यहाँ पर जो है वो सर्वांगीण विकास हो रहा है, तो यहाँ पर आर्थिक सहायता, सामाजिक सहायता, शिक्षा की सहायता, वृद्धावस्था, ये सभी कुछ आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, जो भी कमजोर और उपेक्षित वर्ग हैं उनके सर्वांगीण विकास की बात हो रही है। तो यहाँ पर थोड़ा सा कन्फ्यूजन होगा, जितनी भी हमने आर्थिक क्षेत्र की योजनाएं पढ़ी, स्वास्थ्य संबंधी योजनाएं पढ़ी, ग्रामीण विकास योजनाएं पढ़ी, तो वहां आप ये मिक्स कर सकते हो, तो इसको आप अलग से ही याद करिएगा। अनुप्रति योजना, उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना, विधवा पुनर्विवाह प्रोत्साहन योजना, सहयोग एवं उपहार योजना, वृद्धावस्था पेंशन योजना, मुख्यमंत्री एकल नारी पेंशन योजना, मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन सम्मान पेंशन योजना। ठीक है, जैसे कि महिला सशक्तिकरण संबंधी योजना हमने देखी, तो ऑप्शन में आपके ये दे दिया जाएगा विधवा पुनर्विवाह प्रोत्साहन योजना। ठीक है, तो यहाँ पर कमजोर एवं उपेक्षित वर्गों के सर्वांगीण विकास की बात हो रही है, तो कई बच्चे जो हैं वो ये सोचेंगे कि ये तो है ना, इसका आंसर हो ही नहीं सकता। ठीक है, इसीलिए मैं आपको बोल रही हूँ क्वेश्चन 8 जो है वो आप ध्यान से याद करें। 9 देखें, राजस्थान राज्य की किस योजना का उद्देश्य है कि राज्य की लोक कल्याणकारी योजनाओं का लाभ आम जन को सरलता, सुगमता व पारदर्शी रूप से पहुंच सके? तो यहाँ पर सीधे तरीके से पहुंच सकती है किस योजना के अंतर्गत? राजस्थान जन आधार योजना 2019। ठीक है, तो यहाँ पर जो भी योजनाएं हैं इनका लाभ जो है वह सीधे सरल तरीके से, सुगम तरीके से पहुंच सके। नेक्स्ट देखें क्वेश्चन 10,
सतत विकास गोल 2030 योजना किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था से संबंधित है? तो सबसे पहले ये जानिए, सतत का अर्थ क्या है? लगातार विकास, यानी कि लगातार विकास करना। गोल यानी कि उद्देश्य। तो यहाँ पर लगातार विकास करने का उद्देश्य 2030 तक रखा गया है इस योजना के अंतर्गत। ये तो हो गया अर्थ। तो किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था से संबंधित है? तो यह संयुक्त राष्ट्र संघ से संबंधित है। सतत विकास गोल 2030 योजना को संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य देशों द्वारा कब अपनाया गया? देखिए, कभी क्या होता है, एग्जाम में जो है वो लाइन समझ में नहीं आती है, ऐसी डिफिकल्ट लाइन होती है, तो आप उसको तोड़ कर समझें, ठीक है, तब आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसे सतत विकास गोल 2030 योजना पढ़ने पर कितना डिफिकल्ट लगा, लेकिन हमने इसको समझा। सतत यानी लगातार, विकास यानी डेवलपमेंट करना, और गोल यानी उद्देश्य। तो इसका लगातार विकास करना उद्देश्य है इस योजना के अंतर्गत, कि 2030 तक जो है वो हमें जो भी गोल निर्धारित किए गए हैं उनको प्राप्त करना, ठीक है। तो संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य द्वारा जो है ये कब अपनाया गया? 2015 में। तो 2015 से ये प्रारंभ हुआ और 2030 तक इस योजना में जो भी उद्देश्य हैं उनको पाने का लक्ष्य रखा गया। सतत विकास गोल 2030 योजना में संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य देशों द्वारा कितने लक्ष्यों को निर्धारित किया गया? तो यहाँ पर 2015 में इसे अपनाया गया और 17 लक्ष्य रखे गए, ठीक है। सतत विकास गोल 2030 योजना में संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य द्वारा अपनाए गए जो उद्देश्य थे, 17 उद्देश्य, 17 लक्ष्य कौन कौन से थे, तो वो यहाँ पर हम देखेंगे, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले है गरीबी का अंत, ठीक है, गरीबी का अंत करना इसका उद्देश्य है। फिर है भुखमरी समाप्त करना, अच्छा स्वास्थ्य और जीवन स्तर, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, लैंगिक समानता, शुद्ध जल एवं स्वच्छता, किफायती एवं स्वच्छ ऊर्जा, सम्मानजनक कार्य एवं आर्थिक सहायता, विकास करना, उद्योग, नवाचार और बुनियादी ढांचों का विकास करना, असमानता में कमी, संधारणीय शहर एवं समुदाय, सतत उपभोग एवं उत्पादन, जलवायु परिवर्तन, पानी में जीवन, भूमि पर जीवन, शांति, न्याय और सुदृढ़ संस्थान, और लक्ष्य प्राप्ति में सामूहिक भागीदारी, ठीक है। तो ये 17 उद्देश्य जो है वो रखे गए हैं, लेकिन यहाँ पर जो 3 उद्देश्य हैं वो बहुत ही मेन है, जो इन सभी 17 उद्देश्यों को पूरा करने की क्षमता रखते हैं। वो क्या है, क्या किया जाए? उद्योग, नवाचार और बुनियादी ढांचों का विकास किया जाए, जिससे कि लोगों को रोजगार मिलेगा। रोजगार मिलेगा तो गरीबी का अंत होगा, भुखमरी समाप्त होगी, स्वास्थ्य भी अच्छा होगा, जीवन स्तर सुधरेगा, ठीक है। शिक्षा उनको अच्छी मिलेगी तो लैंगिक समानता आएगी, ठीक है, जो भी असमानता है वो दूर हो जाएंगी। तो यहाँ पर मुख्य चीजें क्या है? एक तो शिक्षा देना, दूसरा रोजगार उपलब्ध कराना, तीसरा जो भी नवाचार बुनियादी ढांचे हैं इनका विकास करना, जिससे ये 17 उद्देश्य जो है वो प्राप्त किए जा सकते हैं। तो यहाँ पर ये चैप्टर जो है वो होता है आपका कंप्लीट, और नेक्स्ट हम करेंगे चैप्टर नंबर 8। तो ये विकास योजनाओं से संबंधित जो भी प्रश्न आपको मैंने करवाए हैं उनको आप बहुत अच्छे से ध्यान से पढ़ेंगे, याद करेंगे, वीडियो को बार बार देखेंगे। जिस तरीके से आप गाना वगैरह चलाते हैं तो वो आपको याद हो जाते हैं, इसी तरीके से वीडियो देखिए तो बहुत अच्छे से आपको ये याद होंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर 8 के साथ। थैंक यू।